ये पोलियो का पेशेंट है और इसका फुट ड्रॉप था, उसका हमने एंकल आर्थ्रोडीसिस किया है, ट्रिपल आर्थ्रोडीसिस, और इसकी राइट लेग जो है वो शॉर्ट थी, उसको लेंथनिंग की है तकरीबन 1 इंच। ये सारा फ्रेम हमने उतार दिया है और अब लास्ट हम ये रिंग्स जो हैं ये उतारेंगे आज, तो वो आप देखेंगे कि हम ये रिंग्स कैसे उतारते हैं। अभी मैं ये पायोडीन से जो पिन साइड्स हैं उनको क्लीन कर रहा हूँ ताकि, और पिंस को भी क्लीन कर रहा हूँ ताकि जब मैं पिंस निकालूँ तो वुंड जो है वो कॉन्टेमिनेट ना हो। ये भी मैंने पायोडीन लगाई है, इसको मैं स्पिरिट से क्लीन कर लूँगा। इसको जैसे ही हम फ्रेम उतारेंगे तो इसके बाद जो है हमारे ऑर्थोटिक कंसल्टेंट राबिया अरशद, उनका नाम है, वो इनकी कास्टिंग करेंगी PTB के लिए। यानी ये पेशेंट जो है बग़ैर फ्रेम के चलेगा और यहाँ जो हड्डी बनी हुई है अबाउट 1 इंच, तो वो अभी पूरी मैच्योर नहीं हुई, तो उसको हमने सपोर्ट देनी है ताकि वो टूटे नहीं और मैच्योर हो। तो जिसके लिए हम एक ब्रेस होता है जिसको हम PTB कहते हैं, वो ब्रेस हम उसकी कास्टिंग करेंगी राबिया, और वो कास्ट उतार के फिर वो ले जाएगी PTB बनाने के लिए, और मैं इनको जो है यहाँ से यहाँ तक प्लास्टरिंग में डाल दूँगा ताकि जब तक कास्ट नहीं बनता तो प्लास्टर लगा रहे। अभी मैं इस वायर को पहले रिमूव करता हूँ, और उसको मैं, ये वायर कटर है, इससे मैं काट रहा हूँ, ठीक है, वायर को, और स्किन के करीब काटता हूँ। ये वायर कट गई, अब मैं ये नट खोलूँगा तो वायर को पहले हम निकाल लेंगे। ये स्लॉटेड नट है जो एलिजारोव फ्रेम के साथ लगता है, एक कैनुलेटेड नट होता है, एक स्लॉटेड नट होता है। इस वायर को हम चेक करेंगे कि आया ये विदाउट ड्रिल निकल सकती है या नहीं, तो निकल आएगी, लेकिन अदर एंड को मैं पायोडीन सोक करके रखता हूँ ताकि जो वो एंड बोन में से गुजरे तो इन्फेक्ट ना करे। हाँ जी, तो ये काफ़ी टाइट है, हैंड ड्रिल से मैं आउट करूँगा। तकरीबन निकल आई है, और जैसे ही ये स्किन से निकलती है सिर्फ उस वक्त थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन पेशेंट जो है वो टॉलरेट कर रहा है, तो कोई ब्लीडिंग नहीं है। इसको मैं लूज़ कर रहा हूँ, शान स्क्रू होल्डर है जिसको मैं लूज़ कर रहा हूँ ताकि शान स्क्रू को मैं निकाल सकूँ, और ये वाला भी मैं लूज़ कर रहा हूँ, और इसको भी मैं लूज़ कर रहा हूँ। ये तकरीबन लूज़ हो गया, तो जब स्किन में से निकलता है तो फिर दर्द होता है ज़्यादा। तकरीबन निकल आया, मैंने पायोडीन लगा दी ताकि सेफ हो जाए। बस ये भी निकल आया, स्किन में से निकलते हुए थोड़ा सा होता है दर्द पेशेंट को, बस एक पिन रह गई है, और छोड़ें फ्रेम को हटा लेते हैं। बस ये भी निकला है तकरीबन, मुबारक है।
टोटल फ्रेम आउट हो गया और ये पिन साइट के स्कार्स हैं, ये भी टाइम के साथ काफ़ी कम हो जाएंगे। इसके बाद हम कास्टिंग करेंगे पीटीबी ब्रेस के लिए।